तमाम आक्रोश और प्रदर्शन के बीच आखिरकार नागरिकता संशोधन बिल ने कानून का रूप ले लिया। इसको लेकर कई जगहों पर विरोध हुए, मशाले जली और विपक्ष ने इसे देश के नागरिक के लिए खतरा करार दिया। हालांकि अब ये बिल कानून बन गया है, यानी पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हुए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी शरणार्थी आसानी से भारत की नागरिकता हासिल कर पाएंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इससे क्या बदलाव होने वाले हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता आसानी से मिल जाएगी। अभी तक ये अवैध शरणार्थी थे। पहले भारत की नागरिकता लेने पर 11 साल तक भारत में रहना जरूरी होता था, लेकिन अब ये 6 साल ही हैं। लेकिन किन शरणार्थियों को फायदा मिलेगा? ये सभी शरणार्थियों पर लागू होगा, चाहे वो किसी भी तारीख में भारत आए हों, यानी जिस तारीख को वो भारत में आए तभी से उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। हालांकि अभी सरकार की ओर से एक कट ऑफ तारीख भी जारी की गई है, 31 दिसंबर 2014 से पहले आए सभी हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। कहां पर लागू नहीं होगा ये कानून? मेघालय, असम, अरुणाचल, मणिपुर के कुछ क्षेत्रों में ये कानून लागू नहीं होगा। सरकार ने यहाँ इनर लाइन परमिट जारी किया है। क्या है इनर लाइन परमिट? इनर लाइन परमिट एक यात्रा दस्तावेज है जिसे भारत सरकार अपने नागरिकों के लिए जारी करती है, नागरिक किसी संरक्षित क्षेत्र में यात्रा कर सकें। ये कुछ ऐसी बातें थी जो नागरिकता कानून को लेकर आपको जाननी जरूरी थी। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।